जय दोस्तों अनिल सर आई टी आई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रे, पर प्रेस कर ताकि जो भी अपडेट्स आए तो आपको समय समय पर पता चलते रहे आज हम बात करने वाले 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का जो एग्जाम है उसमें शेड्यूलिंग जारी कर दिया गया लिस्ट जारी कर दिया गया है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा अनिल सर आई टी डॉट इन ये सर्च करने बाद आपको जाना है आई टी आई न्यूज एंड अपडेट्स में आई टी आई न्यूज एंड अपडेट्स में जाइए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आई टी आई सीविटी एग्जाम लिस्ट तक का ये ऑल इंडिया का लिस्ट है इसमें एक का नहीं है पूरे भारत के जितने भी कैंडिडेट्स हैं छह अक्टूबर से दस अक्टूबर तक उन सभी का इसमें तीन तरह से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तीसरा आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप सुविधा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ बहुत बड़ा है अट्ठाईस पेज का है और इसमें आपको एग्जाम जो होने वाला एग्जाम का जो डेट बता दें 6 अक्टूबर से लेके 6 7 8 9 और 10 इन सभी डेट में आपकी परीक्षा होगी इसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या आपको बता हैं तो नीचे की तरफ चले तो आप यहां देख पाएगा कि देख लीजिए कितने कैंडिडेट हैं 13662 कैंडिडेट हैं यानी कि 61 होंगे 13662 ती, कैंडिडेट इतने इस बार भाग लेने वाले हैं 6 से लेकर 10 तारीख के डेट में ठीक है और यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट इसमें सभी स्टेट भाग लेने वाले हैं कौन कौन स्टेट के कैंडिडेट्स हैं आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटका केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मेघालय मिजोरम उड़ीसा पुडुचेरी पंजाब राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल इन सभी राज्य को आपके देखने को मिलेगा इस राज्य के सभी जगह का नहीं है कुछ कुछ जगहों का होगा और इसमें आपने रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं वैसे आपको बता दें अगर इस लिस्ट में नाम होता है तो आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर पाए कैसे डाउनलोड करेंगे कर तो कर और एक बात बता दें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या होगा कि जो भी अपडेट्स आएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको उसी समय मिल जाएगा इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस लिस्ट में नाम होता है तो आप एनसीबीटी टी के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहां से ट्रेनिंग प्रोफाइल में जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर या पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे इमेज एंटर करने के बाद आप रिमेंबर में पे क्लिक कर सकते हैं लास्ट सबमिट करिए तो आपका डाउनलोड हो जाएगा अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड दिखा रहा है और ए से आ रहा है ऑथेंटिकेशन फील्ड नीचे की तरफ तो समझ जाइए कि आपने कुछ गलत टाइप किया है या इरर ये आ रहा है कैप्चर इरर आ रहा है तो आपको कैप्चर फिर से डालना पड़ सकता है तो आपका यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके लॉग इन कीजिएगा और नीचे सीबीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक दिखाई देगा वहां से सीबीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और भी जानकारी कमेंट कर सकते हैं वैसे आपको एग्जाम का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से डाउनलोड करके पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करके टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा ईयर का भी अगर है तो सेकंड ईयर का हिंदी में मॉक टेस्ट हम दे दिए हैं साथ ही हम पेपर भी दे दिए हैं पेपर भी यहाँ से देख पाएंगे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का है पे क्लिक करते हैं मॉड्यूल वन पे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से मिलेगा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिएगा तो नीचे तरफ मॉडल पेपर वन हिंदी में मिलेगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अभी तक तो नहीं है लेकिन आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज देखने को मिले पे देखिए यहाँ पे देखिए घर्षण का गुणा कैसे व्यक्ति आते हैं यहाँ पे सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए है। मिलते हैं साथ अगली अगली वीडियो में जानकारी के साथ सभी मॉड्यूलाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे तो रेगुलर आप आके मॉक टेस्ट जरूर दीजिए मॉड्यूल वन है इसी तरह मॉड्यूल टू पे क्लिक करें तो मॉड्यूल टू का टेस्ट होगा और देखिए यहाँ पे मॉड्यूल टू है और इसी तरह आप मॉड्यूल थ्री का भी दे सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल थ्री देखने को मिलेगा इसी तरह मॉड्यूल फोर सभी आपका एग्जाम यहाँ से मॉड्यूल वाइज आठ को मॉड्यूल है आपका यहाँ तो से मॉड्यूल वाइज आप एग्जाम देके आप एग्जाम का प्रिपरेशन करिए और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर पूछ लीजिए मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद